हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वेल, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलमंड से होने वाले फ़ायदों के बारे में। जी हाँ, बादाम से होने वाले फ़ायदों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से इसे शेयर करना ना भूलें, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट टू नो द बेनिफिट्स ऑफ एलमंड। सबसे पहले इसका जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, इट्स अ रिच इन मिनरल्स एंड विटामिंस एंड फाइबर। इट इज़ रिच इन विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी एंड साथ के साथ इसमें मैग्नीशियम और मैग्नीज भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इट्स अ गुड इन फाइबर एंड प्रोटीन, प्रोटीन और इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। साथ ही साथ मोनोसैचुरेटेड फैट भी इसे प्राप्त होता है। इट्स गुड टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी सिस्टम, टू बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम। अगर आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम दुरुस्त रखना है, अच्छा रखना है, तो आपको रोज़ 4 भीगे हुए बादाम जरूर खाने चाहिए। इट इम्प्रूव्स द ब्रेन हेल्थ एंड शार्पन्स द मेमोरी। यह ब्रेन की फंक्शनिंग को, मस्तिष्क की फंक्शनिंग को अच्छा करता है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है और मेमोरी को शार्प करता है, हमारी याददाश्त को अच्छा करता है। कुछ लोगों को जैसे भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उन्हें बादाम जरूर करने खाने चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को भी बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए। इट लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कम करने में बादाम बहुत मददगार साबित होते हैं। इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द हार्ट एंड इट्स अ गुड फॉर हेल्दी स्किन। इट्स अ रिच इन विटामिन ए, क्योंकि ये विटामिन ए में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसमें, तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। साथ के साथ ये अगर हेयर की ग्रोथ के लिए और या बालों संबंधी कोई समस्या है तो आप लोगों को बादाम जरूर खाने चाहिए। इट प्रिवेंट्स अ कैंसर, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये इट कीप्स एट बे बिकॉज इट्स गुड इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से जो कैंसर की सेल्स होती हैं उनका ग्रोथ प्रिवेंट हो जाता है, ग्रोथ रुक जाता है कैंसर की सेल्स का। इट प्रिवेंट्स द कैंसर एंड इट्स वेरी गुड फॉर कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में बादाम काफ़ी मददगार साबित हुए हैं, होते हैं। और साथ के साथ इट कंट्रोल्स द हाई ब्लड प्रेशर। कुछ लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उन लोगों को बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए। इट्स अ गुड फॉर ऑल द स्ट्रेंथनिंग द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कुछ लोगों का बहुत ही फास्ट होता है, कुछ लोगों का बहुत स्लो होता है, तो ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और सबसे जो बढ़िया इसका फ़ायदा है वो है वेट कंट्रोल में, यानी कि वेट लॉस करने में यह बादाम नट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए आपको आप अगर इसे खाते हैं, अगर आप 7-8 बादाम खा लेते हैं तो आपको बहुत कम कैलोरीज का इंटेक करना पड़ता है लंबे टाइम के लिए, तो जिससे आप आपकी डाइट कम हो जाती है, आप बहुत लंबे टाइम तक आपका पेट भरा भरा सा रहता है, आपको भूख नहीं लगती है, तो इससे क्या होगा, आपका वेट कंट्रोल होगा। जिन लोगों का खाने पे कंट्रोल नहीं होता, बहुत जल्दी भूख लगती है जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा वेट लॉस करने का एक तरीका हो सकता है कि आप बादाम का इंटेक ज़्यादा करें। ज़्यादा से मतलब है कि 20 से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, 15 to 20 इट्स अ लिमिट। और उससे उसके साथ फिर आपको फिर भूख नहीं लगेगी, तो आपका जो इंटेक, ओवरऑल इंटेक होगा कैलोरीज का, वो कम हो जाएगा। इस तरह से ये जो है वेट लॉस करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ़ इट इज़ सो, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।